आप सभी लोग जानते हैं आज बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ उसके बाद मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ी ताकतवर पार्टी है उसके साथ हमने हाथ मिलाया। और कोई चीज शॉक नहीं है, हमने तो ये अलायंस जो है पावर के लिए नहीं किया था। अगर पावर के लिए करना होता तो उस वक्त उमर साहब और कांग्रेस हमें सपोर्ट करना चाहते थे। इस अलायंस का बड़ा मकसद था, और वो बड़ा मकसद क्या, यूनिलेटरल सीज फायर, वो बड़ा मकसद क्या, डायलॉग की ऑफर, वो बड़ा मकसद क्या, प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना, वो बड़ा मकसद क्या, 11,000 नौजवानों के खिलाफ एफ आई आर विड्रॉ करना, ये बड़े मकसदों के लिए हमने किया था, ये हमने खाली पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया।